उस गणपति बप्पा मोरया सबके वो है। ये आपके घर पधार रहे हैं, कितनी तैयारी की गई है, कैसे मूर्ति का चयन किया गया है, कुछ बताइए। मूर्ति का बेसिकली मैं हमेशा एक ही जगह से लेता हूँ, मेरे इधर दोस्त है जो मूर्तिकार है, उन्होंने बनाया इसे। और ये प्रथा हम काफ़ी सालों से करते हैं, मतलब पिताजी के टाइम से हमारी प्रथा चलते आई है, आज तकरीबन 56 साल हो गए इसे जो मैं उसे निभाते आ रहा हूँ। अच्छा, तो आप खुद कितनी तैयारी करते हैं इन सब के लिए? बकायदा हमने ऐसे ऐसे करिश्मे देखे कि गणपति जी की आंखें लाल होते हुए बकायदा महसूस किया है, बकायदा देखा है, बहुत से चमत्कार देखे और बहुत सी चीज़ें बप्पा ने ऐसे ही सब कुछ पूरी कर दी है, मन्नतें मांगे गया। अच्छा, यहाँ पे डेकोरेशन प्यारा सा कार्टून भी देखे हैं बाल गणेश का। हाँ, ये मेरी बेटी ने बनाया हुआ है, शी इज़ वेरी क्रिएटिव, तो उसने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा दिनेश जी, आपकी फिल्में भी आने वाली है, कौन कौन सी फिल्में हैं और कौन कौन सी फिल्में रिलीज़? अभी जैसे घात मैंने प्रोड्यूस की थी, वो जल्दी अभी हमारे दर्शकों के बीच आ रही है, प्लस मेरी एज अ लीड हीरो प्रहार आ रही है, इसकी शूटिंग अभी चालू है और वो भी दिवाली तक दर्शकों के बीच आ जाएगी। अपने दर्शकों को, अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि मेरी गात अब बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है, सबने उसे बहुत बहुत सराहा था, उसे और देखे, थिएटर में जाए और उसे कैसे मैंने बनाया है उसका एक, हमेशा मेरा इंटरव्यू में एक चीज़ ज़रूर रहता है कि मुझे बताइएगा कि मैंने किधर कमी छोड़ी है। और दूसरी फिल्म में किया करते थे, भोजपुरी करने का पड़ी कहाँ से? जैसे कि मेरे दोस्त सत्येंद्र सिंह जो कि घात में हीरो है और धनंजय मिश्रा जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो एक बार मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बोला और मुझे अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, मैंने खुद ने डिज़ाइन था मेरे दिमाग में एक्चुअली हिंदी पिक्चर के लिए, तो वही मैंने भोजपुरी में उसको कन्वर्ट किया। तो इसमें घात में और कौन कौन से कलाकार हैं? घात में जैसे सत्येंद्र है और अपना पूनम दुबे है, अक्षय केसवानी है, रजनी मेहता है, विनोद मिश्रा जी है, प्रकाश जैश है, काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार है उसके अंदर। डायरेक्टर हमारे आनंद डी कटराज है। भोजपुरी के बाद आप बोल रहे हैं कुछ बॉलीवुड फिल्म बना रहे हैं, जैसे हिंदी का प्लानिंग है 2019 में, मेरी एक हिंदी पिक्चर भी आ रही है, उससे सरप्राइज ही रहने दे तो अच्छा है। और इसमें कौन कौन से बॉलीवुड कलाकार हो सकते हैं? हाँ जी, बॉलीवुड के और कौन कौन से कलाकार हो सकते हैं इसमें? सब टॉप मोस्ट कलाकार है, प्लानिंग ऐसे अक्षय कुमार के साथ में है। फिल्म के डायरेक्टर जैसे पप्पू खन्ना जी कर रहे हैं, प्रहार की बात कर रहे हैं? प्रहार के डायरेक्ट अपना पप्पू खन्ना जी कर रहे हैं। प्रहार प्रहार में जैसे कि मैं हूँ, अक्षय केसवानी है, गौरव झा है, अपना सिद्धार्थ जाधव है, और हीरोइनों में अगर आप लोग हैं तो रजनी मेहता है, सुबी से बात चल रही है, सुबी शर्मा है और अपना त्रिशा खान है। फिल्म को कब तक रिलीज करें घात को? घात मोस्ट प्रॉबली मेरी या तो दुर्गा पूजा पे या तो छठ पूजा पे, दोनों में से एक चीज़। बस गणपति पप्पा जी की दुआएं लेते जाइए और हमारी भी अपने अपने अपनी दुआएं देते जाइए ताकि एक अच्छी अच्छी पिक्चर हम बनाते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी सेवा करने, 7 दिन पता ही नहीं चलता है। कल ही मैं अपनी हेल्पर को बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनकी शादी हो रही है, हम एक एक फंक्शन करते हैं, इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा गुड एक्सपीरियंस, मुझे बिल्कुल थकावट नहीं लगती है, मुझे उनकी सेवा करने बहुत अच्छा लगता है। सेवा करो तो मेवा मिलेगा। अच्छा, पापा को मेवा भी बहुत पसंद है, तो आप खुद बनाती है? जी जी, मैंने अभी ये सूजी का हलवा बनाया उनके लिए और अच्छे अच्छे पकवान बनाती हूँ सुबह की आरती के टाइम, शाम के टाइम, सो उनके लिए साथ साथ बाकी भक्त भी खा लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कोई मन्नत हो जो आप पापा से मांगना चाहते हो या मांगा है? बस यही है कि हाँ, मुझे, मेरी फैमिली को, सबको अच्छी तरह हेल्दी रखो और सब टेंशनों से दूर करिए, बस सबको सब कुछ मिले, बस यही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? पापा आए हैं, घर पधार रहे हैं। जी हाँ, गणपति बापा एक ऐसे गॉड है जो कि सबसे मेरे फेवरेट है, और एज अ यंगस्टर आपको पता है कि मतलब कोई इतना ध्यान नहीं देता है पूजा वगैरह में, पर बापा गणपति मेरे फेवरेट फेस्टिवल है जो मैं दिल से करता हूँ और पूरे मतलब श्रद्धा से करता हूँ, विद ऑल दी पॉजिटिवनेस, सबसे अच्छा। अच्छा, आप फिल्मों में भी एंटर हो चुके हैं, फिल्म कर रहे हैं, तो कुछ खास मन्नत है पापा को लेकर, पापा से मांगी है कि मैं फिल्म कर रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा? पापा से ऐसे नहीं, मतलब कभी भी अपने मतलब के लिए नहीं मांगा है पापा से, पापा से सिर्फ एक ही चीज़ मांगा है कि जो चीज़ मैं डिजर्व करता हूँ मेरे को वो चीज़ दीजिए और जो लेवल पे मेरे को पहुँचना है मेरे को उधर पहुँचा दीजिए, बस। अच्छा,
अच्छा, आपकी फिल्में आ रही है, कुछ बताएंगे अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में? हाँ जी, अभी मेरी दो पिक्चर है, एक तो घात है जो कि मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ ऑन रिलीज हो जाएगी, और प्रार एज वेल ऑन नेक्स्ट मंथ से फ्लोर पे जाएगी। उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज वो कुछ एक डिफरेंट कैरेक्टर है मेरे लिए, तो उसके लिए बहुत तैयारी चालू है बस। अच्छा,